कोर्ट में गिर गई लक्ष्मी और लक्ष्मी के हाथों से निकलेगा खून। और जज के फैसला सुनाने से पहले ऋषि सबके सामने लक्ष्मी के हाथों से खून निकलता हुआ देख करेगा लक्ष्मी के अपनी जान से भी ज्यादा परवाह, जिसे देखकर हिल जाएगी जज और दे देगी डिवोर्स का बड़ा फैसला और पलट जाएगी पूरी भाग्य लक्ष्मी की कहानी। और आ जाएगी लक्ष्मी ऋषि के घर एंड ना चाहते हुए ऋषि की माँ नीलम करेगी लक्ष्मी का गृह प्रवेश और आएगा 2 दिन बाद ऋषि की जान पर बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब जज लक्ष्मी को कनकरे से जाकर बैठने के लिए कह देगी तभी लक्ष्मी कनकरे पर हाथ रखकर उतर कर जा रही होगी, तभी लक्ष्मी का पैर अचानक से फिसल जाएगा और लक्ष्मी गिरने से पहले अपने हाथों का सहारा कनकरे पर लेने के लिए जा रही होगी, तभी लक्ष्मी की हथेली पर लोहे की कील लग जाएगी जिसे देखकर तुरंत ऋषि दौड़ता हुआ लक्ष्मी का हाथ देखने के लिए लक्ष्मी के पास आ जाएगा और लक्ष्मी के हाथों में खून निकलता हुआ देखकर ऋषि लक्ष्मी को प्यार से डांटते हुए कहेगा कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती क्या, अभी हमारा डिवोर्स हो रहा है और तुम हमेशा की तरह फिर से खुद को चोट पहुंचा ली, अब से तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि अभी हमारा डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स होने के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखने नहीं आ पाऊंगा। यह सब सुनकर वहाँ अदालत में बैठी हुई जज को काफी बड़ा शॉक लगेगा, लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी के हाथों में पट्टी बांध देगा और लक्ष्मी को उसकी सीट पर बिठा देगा और लक्ष्मी को सबके सामने आखिर में कहेगा कि लक्ष्मी तुम जब घर जाओगी तब डॉक्टर के पास से टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना, तभी यह सुनकर जज साहिबा को ऋषि लक्ष्मी के बीच के प्यार का एहसास हो जाएगा, जिसके बाद जब जज ऋषि को कहेगी कि अब आप बैठिए क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर मैं अब फैसला सुनाने वाली हूँ, यह सुनकर ऋषि लक्ष्मी मलिष्का नीलम सारे स्तब्ध हो जाएंगे। और आगे जब जज साहिबा अपना फैसला सुनाती हुई कहेगी कि अभी जो कुछ भी ऋषि लक्ष्मी के बीच में हुआ उसे देखकर नहीं लगता कि इन दोनों को डिवोर्स लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह लक्ष्मी ने और ऋषि ने डिवोर्स लेने की बात कही है इसी वजह से ऐसे बेजान रिश्ते को फोर्सफुली ढोना इस अदालत के लिए सही फैसला नहीं होगा, इसी वजह से मैं इस रिश्ते को डिवोर्स दे देती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे हिसाब से अभी भी इस रिश्ते में सांसें बची है और इस रिश्ते की जान बची है। यह अदालत फैसला लेती है कि डिवोर्स लेने से पहले ऋषि लक्ष्मी के जोड़े को पूरे 3 महीने तक एक ही छत के नीचे रहना होगा और अगर ऋषि लक्ष्मी को एक छत के नीचे रहने से किसी ने भी मना किया या फिर किसी ने भी रोकने की कोशिश की एंड ऋषि और लक्ष्मी तुम दोनों अगर खुद इन 3 महीनों में एक दूसरे से दूर रहे तो यह अदालत कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। और अगर ऋषि लक्ष्मी के पूरे परिवार ने दोनों में से किसी एक को भी फोर्स करने की कोशिश की तो उस पर भी बड़ी कार्यवाही होगी। और यह अनोखा जज का फैसला सुनकर ऋषि लक्ष्मी एंड मलिष्का नीलम के होश उड़ जाएंगे और ऊपर वाले के लक्ष्मी की पुकार सुन लेने की वजह से लक्ष्मी रब को थैंक यू बोलेगी। लेकिन जब दूसरे दिन लक्ष्मी जबरदस्त साड़ी पहनकर ऋषि के घर एक बहू बनकर आएगी तभी ना चाहते हुए नीलम लक्ष्मी का गृह प्रवेश कर लक्ष्मी की आरती उतारेगी और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ऋषि ना चाहते हुए गुस्से से लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेगा, जिसे देखकर मलिष्का को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन जब मलिष्का लक्ष्मी के गृह प्रवेश को देखकर लक्ष्मी को कहेगी कि इस घर में लक्ष्मी तुम सिर्फ अपने नाटक की वजह से आई हो, तुम वो कोर्ट में खून निकलने वाला ड्रामा नहीं करती और ऋषि सबके सामने तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम आज यहाँ नहीं होती, यह सुनकर लक्ष्मी मलिष्का को जवाब देती हुई कहेगी तो तुम यहाँ पर क्या करी हो, अब यहाँ से ऋषि के घर से चली जाओ, तुम्हें पता नहीं कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है। यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जब 2 दिन बाद ऋषि की जान पर खतरा आएगा और लक्ष्मी खुद ऋषि की जान बचाएगी तभी ऋषि की माँ को अपने किए का अंदर ही अंदर पछतावा होने लगेगा, लेकिन ऋषि की माँ नहीं मांगेगी लक्ष्मी से माफी और ऋषि की माँ को अपने किए के लिए लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए क्या नहीं और जज का ऑर्डर लक्ष्मी ऋषि के लिए सही होगा क्या नहीं और आप ऋषि लक्ष्मी को एक साथ लड़ते हुए देखना चाहते हैं क्या फिर प्यार करते हुए, यह सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।